हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं हिंद भारत न्यूज। हैदराबाद के समलैंगिक जोड़े ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ एक समारोह में अंगूठियों का आदान प्रदान करके और शादी के बंधन में बंधकर अपने रिश्ते को आधिकारिक बना दिया है। दरअसल एक निजी समारोह का आयोजन शनिवार को हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित एक रिजोर्ट में किया गया। काफी धूमधाम के बीच 31 वर्षीय सुप्रियो चक्रवर्ती और 34 वर्षीय अभय डांग ने एक समारोह के दौरान अंगूठियों का आदान प्रदान किया। इस दौरान सुप्रियो ने कहा कि उनकी शादी ने सभी को मजबूत संदेश दिया है कि खुश रहने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। इस समारोह में बंगाली और पंजाबी शादी की रस्में हुई। क्योंकि सुप्रियो कोलकाता के एक प्रमुख होटल प्रबंधन संस्थान में एक वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में तैनात है और दूसरे अभय जो दिल्ली से हैं, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं। समलैंगिक पुरुषों को तेलंगाना का पहला समलैंगिक जोड़ा माना जा रहा है। ये जोड़ा 8 साल के लंबे रिश्ते में रहा और अब आधिकारिक तौर पर पति और पत्नी बन गया है। समारोह का संचालन हैदराबाद के एक ट्रांस वेस्टाइट व्यक्ति सोफिया डेविड ने किया था। शादी की शपथ डेलॉइट के एक पूर्व प्रबंधन द्वारा दी गई, जो एक ट्रांसवेस्टाइट है। दंपति के परिवार और बड़ी संख्या में उनके दोस्त इस दौरान मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।